ओके तो अब तक ये देख चुके थे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसका टाइप्स क्या होता है, और प्रॉपर्टीज को भी देखें। अब देखेंगे कि प्रॉपर्टीज को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं। प्रॉपर्टीज को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। ओके, पहला जो भाग हो गया वो हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, दूसरा हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बांटते हैं। इंटेंसिव मतलब याद करने के लिए ये आगे वर्ड है IN, तो इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, इसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और डिपेंड करता है मास पे, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मास को यहाँ पे हम लोग साइज ऑफ सिस्टम भी दिमाग में रखना है कि मास मतलब साइज ऑफ सिस्टम भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल लेते हैं कि आखिर मास का मतलब क्या है और कैसे ये इंडिपेंडेंट है और कैसे डिपेंडेंट है। एग्जांपल के हिसाब से अगर हम लोग लें, एक आइस लेते हैं, ओके, एक ब्लॉक आइस ब्लॉक लेते हैं। अब आइस ब्लॉक मेरा ये है, ओके, और आइस जो है तो उसका जो प्रेशर है वो 180 एम पे बनता है, और टेम्परेचर होगा इसका 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका मास होगा मान लेते हैं कि 200 ग्राम इसका मास है। अब इस मास को अगर हम लोग आइस को दो भाग में इक्वल भाग में बांट देते हैं तो मास तो अलग हो गया, तो m/2 एंड m/2, साथ साथ इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम भी अलग हो गया होगा। जैसे अगर ये क्यूब के फॉर्म में है अगर मान लेते हैं तो वॉल्यूम भी अलग हो गया, तो v/2 एंड v/2, दो पार्ट, सॉरी v/2। देखिए जो दो ये जो दो अलग अलग पार्ट हुआ है, टेम्परेचर तो ऐसा नहीं, इसका भी टेम्परेचर इस वक्त अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसका टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो जब हम मास को अलग कर दिए, मास को हाफ कर दिए, तो टेम्परेचर अभी भी 0 0 हुआ। इसका मतलब कि टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। उसी तरह से कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं कि मास पे डिपेंड कर सकते नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। तो अगर ये जब दो अलग अलग भाग बांटा गया है तो इसका मास कितना हो गया होगा, एक क्वांटिटी के लिए इसके इसका क्वांटिटी कितना हो गया होगा, तो ये हो गया 1/2 m हो गया होगा, और भी कितना हो गया होगा, इसका भी v हो गया 1/2 / v, कि वॉल्यूम अलग हो गया क्योंकि दो इक्वल भाग बांटा गया है, तो ये कैंसिल हो गया, तो फाइनल क्या हो गया, फाइनल वही m/v आ गया। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, तो डेंसिटी भी हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ मास कर रहा है, कि ये डिपेंड मास पे नहीं कर रहा है। और डिपेंडेंट ऑफ मास मतलब जो मास पे डिपेंड करता है मेरा, ओके, जो मास पे हमारा डिपेंड करता है उसी को बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हमारा है। जैसे कि एनर्जी, एनर्जी हमारा मास पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा बॉडी होगा उतना ज्यादा वो मास एब्जॉर्ब कर सकता है, ओके, उतना ज्यादा वो एनर्जी क्रिएट भी कर सकता है। लेकिन जानते हैं कि एनर्जी कभी क्रिएट नहीं हो सकता है, सिर्फ ट्रांसफर कर सकता है। अगर कोई कोई एनर्जी क्रिएट कर मतलब कहीं ना कहीं दूसरे एनर्जी से वो अपने आप को नया एनर्जी बदल रहा है, तो वो मास पे हमारा डिपेंड कर रहा है कितना मास एनर्जी वो ले रहा है। जैसे कभी कभी देखोगे हम लिखते हैं कि क्यू इज इक्वल टू जो h a n d t लिखते, कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, तो यहाँ पे इसके मास होगा, इसके अंदर मास हम ऐड करते, कभी ऐड नहीं कर सकते, समझ कि उसमें यूनिट मास होगा, तभी यहाँ पे मास हम लोग नहीं लिखते हैं। सो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड करता है, ओके, इसी जब देखो मास पे डिपेंड करना मतलब है कि इसके अंदर मास है, लेकिन जब कोई मास से भाग देते हैं, जैसे किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को जब लोग मास से भाग दे देंगे, भाग का मतलब है कि जो इसके अंदर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर जो मास इन्वॉल्व था वो भाग दे दिए हैं, तो भाग देने का मतलब कि जो मास था वो खत्म, कैंसिल हो गया, तो वो अब मेरा बन जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बन जाएगा। जैसे कि कोई भी एनर्जी हम लेते हैं, ओके, कोई भी एनर्जी, तो एनर्जी भागा मास ये कहलाएगा, अब जिसका नाम होगा उसका नाम होगा स्पेसिफिक एनर्जी। जैसे कैपिटल एंथाल्पी लिखते हैं तो एंथाल्पी भागा एम कर देंगे, तो ये होगा स्मॉल एच, रिप्रेजेंट करते हैं बुक में हम लोग पी के ना के दूसरे बुक में एच या अलग चीज रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एंथाल्पी।
उसी तरह से अगर हम लोग वॉल्यूम लेते हैं, ओके वॉल्यूम जो मास पर डिपेंड करता है, अगर इस वॉल्यूम को मास से भाग देंगे तो अब बन जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो भाग देने मतलब है कि जो इसमें मौजूद होगा मास वो कैंसिल हो गया, तो इट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो कैपिटल बी बाय एम इज इक्वल टू स्मॉल बी, तो ये हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कभी कभी हम लोग स्पेसिफिक डेंसिटी भी मतलब कि रेसिप्रोकल ऑफ द डेंसिटी बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी भी ये होता है, क्योंकि डेंसिटी का डिपेंड करता है, एम बाई बी होता है डेंसिटी, तो इसको रिवर्स कर दिए तो बी बाई एम हो गया। आगे हम टॉपिक डिस्कस करते हैं कि व्हाट द मीनिंग ऑफ द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ओके, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है इसका असल मतलब होता है इनफिनाइट स्लोनेस, बहुत ही धीमा धीमा प्रोसेस। हम एक डिफाइन कर देते हैं कि द प्रोसेस प्रोसीड, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो होता है, और प्रोसेस का मतलब चेंज ऑफ स्टेट, और चेंज ऑफ स्टेट का मतलब होता है मतलब कि इसके प्रॉपर्टीज का चेंज होना। ओके, जो भी प्रॉपर्टीज का चेंज होता है उसी को बोलते हैं प्रोसेस का होना। तो सबसे पहले जब प्रॉपर्टीज चेंज होता है, प्रॉपर्टीज चेंज होगा तो उसी से मेरा स्टेट चेंज होता है। ओके, ऐसे स्टेट चेंज क्या बनता है, मेरा प्रोसेस होता है। तो सवाल है कि जब प्रॉपर्टी जो ये जो चेंजिंग दिखा रहा है, ये चेंजिंग, ये जो प्रोसीड कर रहा है, इसको बोलते हैं प्रोसीड करना, प्रोसीड करना। तो जो प्रोसेस प्रोसीड करता है इन सच ए मैनर दैट सिस्टम रिमेन्स इनफिनिटेसिमली क्लोज टू इक्विलिब्रियम स्टेट एट ऑल टाइम। तो क्वासी स्टैटिक्स कहता है कि एक प्रोसेस तभी होगा क्वासी स्टैटिक्स प्रोसेस जहां पे एवरी जब एक एक भी स्टेट, मतलब हर स्टेट में हर वो कंडीशन इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि प्रोसेस में जैसे कोई प्रोसेस है, वन से टू प्रोसेस जा रहा मेरा है, तो इस प्रोसेस में बहुत सारे स्टेट हैं, हमने कहा था सीरीज ऑफ स्टेट है, तो हर स्टेट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा, हर स्टेट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा, हर स्टेट में इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो इक्विलिब्रियम स्टेट के साथ पहुंचा, फिर जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचा तो इक्विलिब्रियम स्टेट से पहुंचा। कहने का मतलब वही है कि जब प्रोसेस प्रोसीड करता है इस आधार के अनुसार कि वो लगभग वो इक्विलिब्रियम स्टेट होगा एट ऑल टाइम। तो ये मुमकिन कब होगा, ये मुमकिन होगा जब वो सुफिशेंटली स्लो प्रोसेस, जब वो बहुत स्लो प्रोसेस होगा तभी क्वासी स्टैटिक्स होगा। हम एग्जांपल देंगे तब समझाएंगे। क्वासी स्टैटिक को ही हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस भी बोलते हैं, मतलब ये प्रोसेस जिस रास्ता से गया है उसी रास्ता से वापस भी आएगा। ओके, और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज द सक्सेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट का ही सक्सेशन है, मतलब सक्सेस करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो हर पॉइंट इक्विलिब्रियम होते हुए जाएगा। और इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया, इसमें तीन चीज होना चाहिए, पहला मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम और तीसरा थर्मा इक्विलिब्रियम, ये तीन चीज होना चाहिए। इस ये असल में आइडियलाइज प्रोसेस है, मतलब कि प्रैक्टिकली ऐसा प्रोसेस मुमकिन नहीं होता है। सवाल है कि हम क्यों मानते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होना चाहिए, इसके लिए दो कंडीशन है। पहला कि इजी टू एनालाइज, क्यों एनालाइज, हमने कहा था कि सिस्टम क्यों मानते हैं, सिस्टम मानते हैं ताकि प्रॉब्लम को एनालिस कर सके, तो हम आसानी से एनालिस कर सके, इसलिए हम प्रोसेस को, जब बात कोई कोई सिस्टम कोई प्रोसेस को प्रोसीड करता है तो इजी से हम इसको एनालिस कर सके, इसलिए हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मान के चलते हैं कि वो प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है। प्लस मोर वर्क, हम मोर कोई भी अगर मैकेनिकल डिवाइस या वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होगा तो उसमें हम लोग मोर वर्क का कंसेप्ट लेंगे। जरा इसको हम थोड़ा सा इलोबरेट करते हैं, समझाते हैं एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा फिगर से कि इसका क्या मतलब है। मान लो कि एक पिस्टन है मेरा, ओके तो एक पिस्टन है, एक पिस्टन हमने मानना है यहाँ पे, ओके इस पिस्टन में बहुत सारा गैसेस है, इसमें दो पॉइंट, एक होता है कंप्रेशन और एक होता है एक्सपेंशन। तो
एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। तो जब ये फैलता है तो मतलब मान लो कि इसका प्रोसेस, अब ये पिस्टन यहाँ तक पहुँच गया तो इसका गैस का मॉलिक्यूल्स फैल गया, मतलब किसी वजह से फैल गया होगा, तभी तो पिस्टन फैल गया। जब कंप्रेस करते हैं, जब कंप्रेस करेंगे इसको इधर से इधर, तो जो यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स होगा ये बहुत, क्योंकि पिस्टन के साथ है, तो पिस्टन के साथ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब इसमें मोशन होगा, क्योंकि इनिशियल में तो ये रेस्ट में था, ये मॉलिक्यूल शुरू में रेस्ट में था, जैसे यहाँ मोशन करेंगे तो ड्यू टू इनर्शिया ये तो चाहे कि हम रेस्ट में रहना चाहते हैं, तो अचानक इसको फोर्स मिलता है तो क्या होगा, इसमें अचानक मॉलिक्यूल्स में इस पिस्टन के साथ टच में रहेगा, जबकि पिस्टन को यहाँ तक आते आते इस सारे मॉलिक्यूल्स में उतना ज्यादा मोमेंटम पैदा नहीं हुआ होगा, तो मोमेंटम यहाँ पे ज्यादा पैदा हो गया होगा। जब मोमेंटम पैदा हो गया मतलब कि, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, और फोर्स होता है चेंज ऑफ मोमेंटम, तो यहाँ पे मोमेंटम ज्यादा तेज तेज हो गया, इसका मतलब कि प्रेशर यहाँ पे ज्यादा क्रिएट हो गया होगा कंपेयर टू दिस एरिया। तो यहाँ पे अगर प्रेशर मान लेते हैं P1 और यहाँ का प्रेशर मान लेते हैं P2, देयरफॉर P2 इज ग्रेटर देन P1, तो मतलब ये हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ का प्रेशर अलग, यहाँ का प्रेशर अलग, तो प्रेशर अलग अलग हो गया तो मतलब ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस नहीं हो गया। तो जब ये जो हम कंप्रेस करेंगे तो इस स्टेट में, जब स्टेट वन से स्टेट हम लोग मान लो कंप्रेस कर रहे, स्टेट वन से स्टेट टू में मान लो प्रेशर, ये वॉल्यूम जब हम कंप्रेस कर रहे हैं वन से टू, तो यहाँ का प्रेशर में अंतर आ गया है। तो देयर फॉर मतलब कि हर स्टेट में पूरा का पूरे मॉलिक्यूल्स में जो हमारा प्रेशर है वो एक होना चाहिए था। तो ये कब होगा, इस प्रोसेस को बहुत धीरे से हम कंप्रेस करेंगे, मतलब कि इस मॉलिक्यूल्स को इतना टाइम मिल जाए कि वो यहाँ से निकल के इस जगह पे फैल जाए और एक साथ कंप्रेस हो, ताकि हर जगह का प्रेशर एक जैसा हो। तो वन से टू तक जाने में यहाँ का जो प्रेशर P1 है तो हर जगह P1 P1 होना चाहिए था, लेकिन इस पॉइंट पर प्रेशर P1 भी है, एक अलग प्रेशर P2 भी है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वन कंडीशन पे हर जगह का प्रेशर 1 1 होना चाहिए था, जब टू तक पहुंचे, जब जब यहां तक पहुंचे तो इस समय सबका प्रेशर P2 P2 होना चाहिए था, यही इसका मतलब है मेरा एक्विलिब्रियम। उसी तरह थर्मल भी होना चाहिए था, केमिकल तो होता है क्योंकि भाई H2 है तो H2 रहेगा, केमिकल कॉम्बिनेशन में कुछ चेंज नहीं होता है, लेकिन हाँ थर्मल में हो सकता है चेंज, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा तेजी से यहाँ पे कंप्रेस कर तो यहाँ का तापमान भी बढ़ जाता है। ओके है, तो क्योंकि प्रेशर बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ गया, यहाँ पे आइडल गैस का मात्र एग्जाम्पल लिया जाए तो इसलिए हम यहाँ पे जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो प्रोसेस मुमकिन होगा, तभी ये चीज हम लोग मानते हैं। देयरफॉर ये तभी कभी होगा जब ये बहुत ही स्लो होना चाहिए, और प्रैक्टिकली इसलिए नहीं होता है क्योंकि इतना स्लो प्रोसेस मुमकिन नहीं है, मैकेनिकल डिवाइस बहुत तेजी से फास्ट वर्क करता है। अब इंजन स्टार्ट करना है तो कंप्रेशन होगा तो बहुत तेजी होता है, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि उसको ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस पा सके, तो इसलिए ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं हो पाता, इसलिए इसको आइडियलाइज प्रोसेस बोलते हैं, और मतलब हो गया यहाँ पे सक्सेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, और रिवर्सिबल मतलब हो गया कि ये जिस प्रोसेस से गया था फिर से उसी प्रोसेस से आएगा, जब स्लो स्लो प्रोसेस से आएगा तो वो टोटल जो था मेरा जिस पाथ से जाएगा उसी पाथ से वापस आएगा। ओके, तो बस आज का टॉपिक यहीं पे हम लोग इसको रोकते हैं, और अगला भी हम अगला डिस्कस